नमस्ते, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज के किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैशाली है। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी कच्चे पपीते से बनाया जाते हैं, बट आज हम इसे वाटरमेलन यानी तरबूज के छिलकों के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है और उतनी ही टेस्टी लगती है जितनी पपीते की टूटी फ्रूटी लगती है। तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ये टूटी फ्रूटी बनाने के लिए। तरबूज के छिलकों की टूटी फ्रूटी बनाने के लिए हमें तरबूज के छिलके लगेंगे। मैंने ये छिलके ऑलरेडी यहाँ पे काट कर रखे हुए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद मैं आपको इस कैसे काटते हैं वो भी बताऊंगी। फिर हमें लगेगी 1 कप चीनी और हमें लगेंगे कुछ फूड कलर्स, वो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज, ग्रीन और येलो कलर लिया हुआ है। चलिए अब हम टूटी फ्रूटी बनाते हैं। आपको बताया मैंने ये तरबूज की छिलके का जो व्हाइट पार्ट है उसको छोटी छोटे साइज में, जैसे टूटी फ्रूटी के साइज होता है, ऐसे काट के रखा हुआ है। अभी मेरे पास ये एक छिलका बचा है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम काटते कैसे हैं। अभी ये छिलका बड़ा है तो ये काटने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं इसको पहले छोटे छोटे साइज पीसेस बना लूंगी। और अभी ये ऊपर जो लाल पार्ट दिख रहा है आपको, वो आपको निकालना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और फिर इसके कारण टूटी फ्रूटी अच्छी क्रंची नहीं बनती है। अभी लाल पार्ट मैंने निकाल दिया है, अभी पीछे का ग्रीन कवर भी मुझे निकालना है। इसका आप पिलर से पील भी कर सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसे करती हूँ। ये मैंने हटा दिया। अभी जो व्हाइट पार्ट हमें मिला है, हम इसको फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अभी तरबूज के टुकड़े सारे तैयार हैं। अब सबसे पहले हमें ये तरबूज के पीसेस को बॉईल करना है पानी में डाल के। इनको हम 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि ये आधे पक जाए। हम इन्हें बहुत गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा ये ट्रांसलूसेंट हो जाए तो फिर हम गैस बंद कर देंगे। जब तक हमारे तरबूज के पीसेस बॉईल हो रहे हैं तब तक हम दूसरे बर्तन में चाशनी बना लेते हैं। तो इसमें मैंने 1 कप पानी लिया है, इसके साथ हम ये 1 कप शुगर डालेंगे। ये चीनी पानी में घुल चुके हैं, हम लोग अभी गैस स्लो कर देंगे और इसको पकने देंगे थोड़ी देर। अभी 2 मिनट हो चुके हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ पीसेस जो है वो ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं, बट हमें अभी 2-3 मिनट और पकाना है ताकि सारे पीसेस जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए और वो शुगर सिर्फ अच्छे से एब्जॉर्ब करें। अभी ये तरबूज के पीसेस 5 मिनट से बॉईल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं सारे ट्रांसलूसेंट हो सके हैं। हम लोग गैस बंद कर देंगे और तुरंत ही हम लोग इसका पानी निकाल कर इन्हें ये शुगर सिरप में डाल देंगे। एक्स्ट्रा पानी निकाल लीजिए अच्छे से। इसको अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इस टूटी फ्रूटी में। अब हम इन तरबूज के पीसेस को इसी सिरप में थोड़ी देर पकाएंगे, लगभग 5 मिनट, और गैस हमें मीडियम पे रखना है इस वक्त। अब
ये लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सारे कर्बिस पीसेस का कलर चेंज हो गया है। हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है ताकि ये चाशनी जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाए। किसी के भी आप देख सकते हैं चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। और मैंने एक तरबूज का पीस खाकर देखा है, मिठास भी काफ़ी अच्छी आ गई है तरबूज के पीस के अंदर। तभी मैं ये गैस बंद करूँगी। और अभी हम चाहे तो इसे ढककर ऐसे ही रख सकते हैं, कोई भी एक कलर अगर बनाना है तो इसी में कलर डाल के हम लोग इसको मिक्स करके ऐसे ही ढक के ओवरनाइट रख सकते हैं। बट हमें 2-3 कलर में डालना है तो मैं थोड़ी थोड़ी चाशनी एक एक बोल में अलग ले लूंगी। क्योंकि मैं यहाँ पाउडर कलर इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैंने चाशनी ऐसे ली है, और इसमें थोड़ा थोड़ा ये पाउडर कलर डालूंगी। ये कलर हमें काफी गाढ़े बनाने हैं अने ताकि जब वो टूटी फ्रूटी के अंदर जाए तो टूटी फ्रूटी को अच्छा कलर आ जाए। यहाँ पे हमने 3 कलर बनाए हैं, ऑरेंज बनाया है, ग्रीन बनाया है और येलो बनाया है। ऑरेंज और ग्रीन मुझे काफ़ी गाढ़े लग रहे हैं, बट येलो में मुझे थोड़ा कलर और मिलाना पड़ेगा ताकि जब मैं बाकी का सिरप उसमें डालूँ तो कलर अच्छा डार्क बने। अगर आप लिक्विड कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली सिरप में डाल सकते हैं। अभी कलर तैयार है, अभी हम लोग ये टूटी फ्रूटी तीनों बोल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके डाल देंगे। इसमें जो बची हुई चाशनी है ये भी थोड़ी थोड़ी सब बोल्स में डाल देंगे। और अभी हम लोग हमारी टूटी फ्रूटी को कलर्स के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, और ये तरबूज के टुकड़े हम सारा कलर भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पीला कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छे से शुगर सिरप में डुबा के रख दीजिए। अभी हमें इसे ऐसे ही ठंडा होने देना है और रात भर के लिए हमें इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है। रात भर सोक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी सारा चाशनी पी लिया है, यहाँ से चाशनी काफ़ी कम हो गया है। अब हम लोग जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है उसको निकाल कर पूरा छान लेंगे। अभी पूरा सिरप निकालने के बाद हम लोग इसको अच्छे से कोई भी थाली में इसे फैला देंगे। ध्यान रखिए कि ये बहुत पतली परत में फैलाना है हमें, ताकि अच्छे से इवनली सूख जाए। अब हम इन टूटी फ्रूटीज को कड़ी धूप में 2 से 3 घंटे के लिए सुखा लेंगे। जब आप धूप में रखेंगे तो ध्यान रखिए कि इसमें डस्ट ना चिपके, इसलिए इसको कोई भी मसलिन क्लॉथ से आप ढक के रख दीजिए तो ये इसका पानी सूख जाएगा और इसमें डस्ट भी नहीं लगेगी। अभी 3 घंटे धूप में सूखने के बाद हमारी टूटी फ्रूटी तैयार है, बहुत ही जूसी दिख रही है।
अब हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे सारे कलर्स एक साथ। तीनों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हैं और इसे किसी भी आइसक्रीम के साथ या फिर किसी भी स्वीट डिश के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे तो इसे वैसे ही खाना पसंद करते हैं। सो ये हो गई हमारी टूटी फ्रूटी तैयार। इसे आप इस तरह से आइसक्रीम के ऊपर भी डालकर खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार टूटी फ्रूटी बनी है, हमने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है, हमें तो बहुत पसंद आई है। आप ट्राई कीजिए, आपको भी पसंद आएगी। और ये वाटरमेलन के छिलके वैसे भी हम फेंकते हैं, उसका यूज़ करके टूटी फ्रूटी बनाइए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद ये रेसिपी देखने के लिए, और रेसिपीज देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।